मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने अपने रीवा स्थित आवास पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान सुखेंद्र सिंह बन्ना ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासियों के साथ साथ जिले के लोगों को बधाई दी। इस दौरान पत्रकारों के पूछे गए सवाल पर कहा कि बीजेपी ने शासन प्रशासन का दुरुपयोग करते हुए मऊगंज हनुमना नईगढ़ी क्षेत्र में पहले चरण में चुनाव कराया, लेकिन वोटिंग लास्ट में करवाई और रात के समय धांधली की, जिसके चलते जिला पंचायत सदस्यों की हार हुई, अन्यथा आज जिला पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस का होता। आइए आपको सुनाते हैं सुखेंद्र सिंह बन्ना ने आदिवासी दिवस और हुए चुनाव में सफलता और बीजेपी की साजिश के संबंध में क्या कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। इस विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर समस्त अपने आदिवासी भाइयों को अपनी तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, अपने जिले की तरफ से, अपने क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही आदिवासी समाज के चाहे बिरसा मुंडा रहे हों, चाहे रानी दुर्गावती रही हों, और तमाम क्रांतिकारी आदिवासी समाज के नेताओं जो भारत के निर्माण में उन्होंने अपना अमूल्य सहयोग दिया, उनको मैं अपनी ओर से नमन करता हूँ। और साथ ही हम सब मिल करके आदिवासी समाज के लिए इस आदिवासी दिवस पर संकल्प लेते हैं कि सदैव आदिवासी हित में हम लोग काम करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं, रीवा ज़िले में अल्पवर्षा की समस्या है, बारिश नहीं हो रही है, किसान तड़पड़ा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पिछली बार भी एक दो जिले सूखे ग्रस्त घोषित हो गए थे, चाहे सीधी हो चाहे सतना हो, और रीवा पिछली बार नहीं हो पाया था, फिर रीवा में बारिश हुई थी। इस वर्ष भी हमें पता चल रहा है कि सर्वे का काम चल रहा है, बशर्ते रीवा कलेक्टर के द्वारा गलत जानकारियाँ निचले स्तर से हर तहसीलों से मंगाई जा रही हैं, और जो वर्षा जहाँ नहीं हो रही है वहाँ ज़्यादा आंकड़े पेश करके मात्र इसके लिए कि जिला सूखाग्रस्त घोषित नहीं। आप सबके माध्यम से मैं कलेक्टर रीवा को, सरकार को चेताना चाहता हूँ कि इसकी लड़ाई तो हम लड़ेंगे ही, लेकिन अभी फिलहाल जो सर्वे का काम चल रहा है, जो आंकड़े मंगाए जा रहे हैं बारिश के, वो सही आंकड़े पेश करें और रीवा जिला को सूखाग्रस्त घोषित करें, अन्यथा हम लोग कभी भी लड़ाई के लिए तत्पर रहेंगे। दूसरी बात, इस समय क्षेत्र में बिजली की व्याप्त समस्या है। कल मऊगंज से इतने फोन आ रहे थे कि मऊगंज की आम जनता एकदम तड़प में थी। हमको लग रहा था हमें रात को ही बिजली ऑफिस जाए, लेकिन कुछ हमारे साथियों ने बिजली ऑफिस पहुँच करके दबाव बनाया, उनसे लड़ाइयाँ लड़ी, तब जा करके बिजली चाली। बिजली की कटौती चल रही है, मनमानी बिल भेजे जा रहे हैं, ये भी एक बड़ी समस्या है। इसके लिए भी खासकर मऊगंज क्षेत्र के लिए मैं इसकी लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़ेगी। दूसरी बात, अभी पंचायती चुनाव हुए, नगरीय निकाय के चुनाव हुए, उसमें तमाम साथी सब लड़े थे, बिजी थे, वो सब सारी बातें चली, सबने जीता हारा। मैं अपनी तरफ से जिले के समस्त जीतने वालों को बधाई देता हूँ कि उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। चाहे जनपद हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे सरपंच हो, चाहे नगर निगम के हो, चाहे नगरीय निकाय के हो, नगर पंचायतें हो, सबको अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ। और साथ ही मऊगंज जिले की लड़ाई मैं लगातार लड़ रहा हूँ। अभी 3 महीने चुनाव के कारण उस मुद्दे पर हम आगे नहीं बढ़ पाए थे, लेकिन आप सबके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी समय मैं आप सबके माध्यम से शिवराज सिंह जी से कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने चुनाव के समय मऊगंज को जिला बनाने की घोषणा करी थी, उस बात का वो पालन तत्काल करें, अन्यथा किसी भी समय मऊगंज की जनता जनार्दन के साथ हम लोग जिला बनाने की मुहिम पर चल तो रहे ही हैं, लेकिन कड़ा आंदोलन, कड़ा रुख अपना सकते हैं, इसकी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। ये सब तमाम बातें आप सबके माध्यम से कहने के लिए यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुए, आपको बुलाए, आप सबने समय दिया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि जिला कलेक्टर द्वारा गलत जानकारियाँ मंगाई जा रही हैं, इसके पीछे वजह क्या होगी? क्या कोई और प्रशासनिक दबाव या कुछ और पार्टी कि जिला ग्रस्त सूखाग्रस्त घोषित ना करना पड़े, किसानों को मुआवजा ना देना पड़े, ये षड्यंत्र होता है सदैव से किसानों के साथ। तो इसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि सूखाग्रस्त घोषित हमें न करना पड़े, मुआवजा न देना पड़े। ये सरकार हमेशा यही काम कराती है किसानों के साथ, ये किसान विरोधी सरकार। पिछले दिनों तमाम तरीके के चुनाव हुए, आप बहुत सक्रिय। देखिए, स्वाभाविक है, इसमें तो जो नेतृत्व करता है उसके दमखम की बात होती है। हमारे मऊगंज में भी कुछ पार्षद कम थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 2 पार्षदों ने वोट किया,
हमारे हनुमना में 8% भारतीय जनता कांग्रेस के थे, लेकिन 2 निर्दलीय भी हमको दिए। आज पूरे मऊगंज हनुमना में दोनों सीट हम जीते, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ नेतृत्व का अभाव होता है जिसके कारण ये दिक्कतें आती हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर निष्क्रियता दिखी पार्टी में। देखिए, जहाँ जिला पंचायत का सवाल आपने कहा, बिल्कुल सही बात कहा, कांग्रेस ने भी 9 वोट पाए, कुछ हमारे जीते हुए कैंडिडेट दूसरे दलों में चले गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ कि जब पहले चरण का चुनाव जिला पंचायत का हुआ, सर्वप्रथम हनुमना मऊगंज नई गढ़ी हुआ, वहाँ पर जिला पंचायत की काउंटिंग जो हुई अंतिम समय में हुई, आई अंतिम रात को, जो रात के समय जो काउंटिंग हुई जिला पंचायत की, उसमें धांधली के काफ़ी चांसेस थे और धांधली इन लोगों ने किया, जीतने वाले कैंडिडेटों को हराया, हारने वालों को जिताया जो उनके पक्ष में गए, इसका लाभ उनको मिला, इसलिए जिला का चुनाव वो रीवा में जीते। अन्यथा अगर हमारा वार्ड क्रमांक 31-32 कांग्रेस हमारे साथ ही अगर जीते होते, धांधली न होती, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि रीवा जिले में कांग्रेस का ही जिला पंचायत अध्यक्ष होता।